हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो आज हम अपने इंग्लिश के आगे के लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट लेसन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट लेसन है ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स। इसका पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा पार्ट टू है। तो क्या क्या है इसमें? इसमें जैसे कि हमने देखा था कि एक प्ले चल रहा था और उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे अगर हमें याद होगा तो उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो थे अलेक्जेंडर, ओल्ड लेडी, प्रिंसेस, मैन वन, मैन टू, फार्मर और कौन था इसमें कैरेक्टर्स? एक अर्नेस्ट था। ये सारे हमारे कैरेक्टर्स थे। तो हम आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट स्टोरी में क्या था? लास्ट स्टोरी में ये था कि फार्मर दो लोगों को बात करते हुए सुनता है कि जो किला है वहाँ पे प्रिंसेस को छुपा के रखा गया है और जो भी उस प्रिंसेस को छुड़ाएगा उसकी शादी उससे हो जाएगी। तो उसके लिए जो फार्मर है वो अपने बड़े बेटे अर्नेस्ट को बोलता है कि जाओ वहाँ पे जाके प्रिंसेस को बचाओ और उससे शादी कर लो। तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। नरेटर, अ फ्यू डेज लेटर अर्नेस्ट फादर वॉज टॉकिंग टू अलेक्जेंडर। कुछ दिन बाद जो अर्नेस्ट के पिताजी थे वो अलेक्जेंडर से बात करते हैं। फार्मर, वेयर इज अर्नेस्ट? वाई ही हैजंट कम बैक? आई नो एवरीथिंग वेंट राइट बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। अब जो फार्मर है वो क्या बोलते हैं कि अर्नेस्ट कहाँ हैं, अभी तक आया क्यों नहीं? मैं जानता हूँ उसके साथ में सब कुछ ठीक रहा होगा क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान और मजबूत है। अलेक्जेंडर, फादर लेट मी गो टू कैसल, मे बी माई ब्रदर वॉज नॉट वेरी फॉर्चुनेट। तो अब जो अलेक्जेंडर वो कहता है कि पिताजी अब मैं वहाँ कैसल में जाता हूँ, हो सकता है कि मेरा भाई इतना भाग्यशाली ना हो। फार्मर, हाँ हाँ, यू फूल, वॉट यू कैन डू? अलेक्जेंडर, आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड सी फॉर माई सेल्फ। तो जो फार्मर है वो बोलता है अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम जाके क्या उखाड़ लोगे वहाँ पे, तुम जाके वहाँ पे क्या कर लोगे? तो अलेक्जेंडर बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ और जाके देखता हूँ अपने लिए। फार्मर, आई विल नॉट गिव यू हॉर्स और अ स्वॉर्ड। तो फार्मर जिसने अलेक्जेंडर को अर्नेस्ट को एक तलवार दी थी और घोड़ा दिया था, तो वो अलेक्जेंडर से क्या कहता है कि अब मैं तुमको ना घोड़ा दूंगा ना तलवार दूंगा। नरेटर, बट अलेक्जेंडर ओनली टुक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड वेंट ऑन फुट टू द इंचेंटेड कैसल। द जर्नी वॉज हार्ड एंड लॉन्ग एंड दैट नाइट ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप, ही सो एन एंट हिल एंड मैनी एंट्स वर ट्राइंग टू रिबिल्ड इट। तो अब जो अलेक्जेंडर है वो ना घोड़ा होता है उसके पास, ना तलवार होती है, वो क्या करता है वो एक ब्रेड का पीस लेता है अपने साथ में और अपनी यात्रा शुरू करता है। कैसे यात्रा शुरू करता है? वो पैदल चल के जाता है। अब चूंकि उसकी जो यात्रा थी वो बड़ी थी, तो क्या करता है वो डिसाइड करता है कि रास्ते में उसको एक पेड़ मिलता है कि आज रात मैं यहीं रेस्ट करता हूँ, कल सुबह मैं आगे की यात्रा पूरी करूँगा। और जब वो दूसरे दिन सुबह उठता है तो देखता है कि बहुत सारी जो चींटियाँ होती हैं वो अपना घर फिर से बना रही होती हैं। किसी ने उनका घर तोड़ दिया तो वो उसको फिर से बना रही हैं। अलेक्जेंडर, ओ पुअर आंट्स, हु डिस्ट्रॉयड योर नेस्ट? मे बी इट वॉज माई ब्रदर, आई विल हेल्प यू टू रिबिल्ड योर नेस्ट। तो अलेक्जेंडर उनको देख के क्या बोलता है, कितनी बेचारी छोटी छोटी सी चींटियाँ हैं, किसने तुम्हारा घर तोड़ दिया? हो सकता है मेरे भाई ने ही तोड़ा होगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसको दोबारा बनाने में। नरेटर, व्हेन ही फिनिश्ड ही वॉक्ड डाउन टुवर्ड्स अ लेक टू ड्रिंक सम वाटर, देयर ही सो सम लिटिल डक्स स्विमिंग। और जब वो उनका घर बना दिया उसके बाद में आगे बढ़ा तब तो उसने क्या करा, वो लेक की तरफ में गया। क्यों गया? पानी पीने के लिए। वहाँ पर उसने कुछ छोटी डक्स को स्विमिंग करते देखा। अलेक्जेंडर, ओ पुअर डक्स, यू मस्ट बी हंग्री, टेक दिस पीस ऑफ ब्रेड। नरेटर, द लिटिल डक्स एट द पीस ऑफ ब्रेड, देन ही सो अ बीहीव ऑन अ फ्लोर, ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट ओवर अ ट्री एंड ही कंटिन्यूड हिज जर्नी टू द एंचेंटेड कैसल। व्हाइल ही अराइव्ड ही नॉक्ड एट द डोर। अब क्या करता है जो अलेक्जेंडर है, वो अलेक्जेंडर जो है वो उन डक्स को अपना ब्रेड का पीस देता है खाने के लिए। और जब वो आगे जाता है तो क्या देखता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता है वो नीचे पड़ा है, तो वो उसको भी उठा के पेड़ पे रख देता है और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करके वो उस कैसल तक पहुंच जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। ओल्ड लेडी, व्हाट डू यू वांट माय डियर? अलेक्जेंडर, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट आई वुड लाइक टू रेस्क्यू द प्रिंसेस। अब अलेक्जेंडर उससे क्या कहता है कि आपको डिस्टर्ब और परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंसेस को बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आया हूँ। ओल्ड लेडी, यू कैन ट्राई बट इफ़ यू फेल यू नो वॉट विल हैपन टू यू।
तो जो ओल्ड लेडी है वो क्या बोलती है कि तुम कोशिश कर सकते हो, पर अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। अलेक्जेंडर, यस आई नो, बट इन वन ऑफ माई ड्रीम्स आई सॉ अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस एंड आई फेल इन लव विथ हर। अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैंने अपने एक सपने में देखा है कि बहुत सुंदर सी राजकुमारी है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। ओल्ड लेडी, हाँ हाँ। नरेटर, देन द ओल्ड लेडी स्प्रेड द सनफ्लावर सीड्स ऑन द ग्राउंड एंड लेफ्ट। अब जो ओल्ड लेडी थी वो पहले की तरह के करा, उसने सनफ्लावर सीड्स को ग्राउंड पे बिखेर दिया और वो चली गई। अलेक्जेंडर, ओ आई कांट गैदर ऑल दीज सीड्स, दे आर टू मैनी बट आई विल ट्राई। अब उसको क्या करना था, अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर को वो सारी सीड्स कलेक्ट करना था। जब अलेक्जेंडर कहता है ये तो इतनी सारी हैं मैं कैसे कलेक्ट करूँगा, पर मैं कोशिश करता हूँ। 45 मिनट्स लेटर, अलेक्जेंडर इज अबाउट टू गिव अप, देन ही हर्ड अ स्ट्रॉन्ग नॉइज। द आंट्स हैड कम टू हेल्प हिम, दे वर ग्रेटफुल बिकॉज ही हेल्प्ड देम टू रीबिल्ड देयर एंथिल। अब जब 40-50 मिनट हो गए थे, 45 मिनट हो गए थे, तो अलेक्जेंडर बस हार मान नहीं माना था, तब वो उसको क्या, वो जो चीटियाँ थी उसकी आवाज़ उनको आती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती हैं। वो उसकी हेल्प करने क्यों आती हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसकी इन चीटियों की हेल्प करी थी उनका घर फिर से बनाने में। अलेक्जेंडर, थैंक यू माई गुड फ्रेंड्स, अ बैग इज़ फुल ऑफ सीड्स अगेन। अब क्या हुआ, जो बैग था वो फिर से सीड्स से भर गया। नरेटर, देन द ओल्ड लेडी केम बैक। अब जो बूढ़ी औरत है वो वापस आती है। ओल्ड लेडी, नाउ यू हैव टू गो थ्रू द सेकेंड टेस्ट, लुक यू हैव टू कैच दीज 12 रिंग्स। अब उसको क्या करना है, अब उसको दूसरा टेस्ट पास करना है। उस दूसरे टेस्ट में क्या है, उस दूसरे टेस्ट में उसको 12 रिंग्स जो वो पानी में फेंक देती है वो लेकर आना है। नरेटर, द ओल्ड लेडी थ्रू द रिंग्स इन टू द वाटर। अलेक्जेंडर, वेरी गुड। नरेटर, अलेक्जेंडर गेट्स इन टू द वाटर बट इट्स टू कोल्ड एंड टू डीप, ही कांट कैच एनी। देन ही सॉ समथिंग मूविंग इनसाइड द वाटर, दे वर द डक्स हु केम टू हेल्प हिम बिकॉज ही शेयर्ड अ पीस ऑफ ब्रेड विद देम। अब जब वो पानी में फेंक देती है, जाती है, तो अलेक्जेंडर क्या करता है, पानी में जाता है, पर जो वो पानी था वो बहुत ही ठंडा और गहरा था और उसको लग रहा था कि मैं एक बीरिंग को नहीं पकड़ पाऊँगा, पर उसने क्या देखा कि पानी के अंदर ही कोई हलचल हो रही थी। क्या हलचल थी, वो डक्स थी जिसको अलेक्जेंडर ने अपने ब्रेड का पीस खाने को दिया था, वो उसकी हेल्प के लिए आ गई थी। अलेक्जेंडर, थैंक यू माई गुड फ्रेंड्स, नाउ आई हैव ऑल द 12 रिंग्स। तो उन डक्स की वजह से अलेक्जेंडर को जो 12 रिंग पानी में फेंकी थी वो पूरी मिल जाती हैं। नरेटर, व्हेन ही गॉट आउट ऑफ द वाटर ही वेंट स्ट्रेट टू सी द ओल्ड लेडी। अब जब वो पानी से बाहर आया तो वो सीधा उस ओल्ड लेडी के पास में गया। ओल्ड लेडी, ओ गुड अलेक्जेंडर, नाउ यू फॉलो मी। वो कहती है, अरे बहुत बढ़िया, तुमने पहला टेस्ट भी पास किया, सेकंड भी किया, अब मेरे पीछे आओ। नरेटर, द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड अलेक्जेंडर अबाउट द थर्ड टेस्ट। व्हेन ही वॉज लुकिंग एट 3 सिलहूट्स ही कुड फिगर आउट विच वन वॉज द प्रिंसेस। अब उसको क्या करती है, वो फिर से 3 छाया परछाई दिखाती है और बोलती है कि इनमें से प्रिंसेस को तुमको ढूंढना है। अलेक्जेंडर, दे ऑल लुक्ड सेम। अब अलेक्जेंडर ने देखा कि वो सारी की सारी बिल्कुल एक जैसी ही दिख रही थी। ओल्ड लेडी, थिंक अलेक्जेंडर, थिंक विच वन इज़ द प्रिंसेस। अब ओल्ड लेडी उसको क्या बोलती है, ढूंढो, देखो कौन सी इसमें प्रिंसेस है। अलेक्जेंडर कहता है, आई डोंट नो विच वन टू चूज, मुझे नहीं पता मैं इनमें से किसको सेलेक्ट करूँ। सडनली 100 of bees एंटर थ्रू द विंडो एंड फ्लू अराउंड द मिडिल सिलहूत। अब क्या होता है, एकदम से कम काफ़ी सारी हज़ारों की संख्या में जो मधुमक्खियाँ हैं वो विंडो के थ्रू अंदर आती हैं और जो मिडिल वाली छाया रहती है उसके आसपास में घूमने लगती हैं। अलेक्जेंडर, इट्स द मिडिल वन एंड आई होप आई एम राइट। अलेक्जेंडर कहता है कि ये जो मिडिल वाली, बीच वाली है, शायद यही प्रिंसेस है और मुझे उम्मीद है कि मैं सही हूँ। ओल्ड लेडी, ओ द वन इन द मिडिल अनकवर योर सेल्फ। वो कहती कि जो बीच में है वो अपने आप के ऊपर से पर्दा हटाए, खुद को सामने दिखाए। नरेटर, द वाइट शीट फेल ऑन द ग्राउंड एंड द प्रिंसेस अपीयर्ड। अब क्या होता है, ज़मीन पे जो सफ़ेद चादर है वो नीचे गिर जाती है और उसमें से प्रिंसेस निकलती है। प्रिंसेस, थैंक यू अलेक्जेंडर फॉर रेस्क्यूइंग मी, आई एम ग्लैड इट वॉज यू। अब जो प्रिंसेस है वो क्या करती है, वो उसका थैंक यू करती है और वो बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे ढूंढने वाले तुम हो। Then they heard the dragon escaping from the tower. फिर उसके बाद उन्होंने क्या सुना कि जो ड्रैगन था वो भी टावर से चला गया। Princess, look, he is going to tell his master that I am free.
नाउ यू आर द मास्टर ऑफ दिस कैसल. तो जो प्रिंसेस है वो अलेक्जेंडर को बोलती है कि अब जो ये ड्रैगन गया है ये अपने मालिक को बताने गया है कि मैं फ्री हो गई हूँ, तो इस कैसल का मालिक, इस किले का मालिक अब कौन है? अब अलेक्जेंडर है. अलेक्जेंडर, योर फादर मस्ट नो दैट यू आर फ्री एंड वी विल गेट मैरिड. तो अलेक्जेंडर क्या प्रिंसेस को बोलता है कि तुम्हारे पापा को ये पता है कि अब तुम फ्री हो गई हो और तुम शादी करोगी? प्रिंसेस, यस वी विल लिव हैप्पीली फॉर एवर. फिर क्या होता है, राजा रानी की शादी हो जाती है और दोनों हमेशा की तरह खुश रहते हैं. तो ये हमारी स्टोरी का पार्ट टू था, ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स. फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, ये सेकंड पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है. इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ में PDF पे शेयर किए जाएंगे. ये लेसन भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखना है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे. जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय.